सो हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड कैसल ग्रेस के और एक न्यू वीडियो में गाइज तुम लोग फिर से स्वागत है। तो गाइज आज के इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे जो न्यू डेक के साथ गेम प्ले करेंगे। न्यू डेक नहीं, मतलब तुम कह सकते हो ये डेक पुराना है, मतलब बहुत कोई भी यूज किया होगा। तो आई थिंक गाइज इस टाइप का डेक कितना सक्सेसफुल रहता है, तो गाइज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करेंगे और गेम प्ले के ऊपर रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो सिंपली गाइज इस वाले डेक में यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हम दो स्पैक स्टैचू और साथ में यहाँ पे मर्ड एलिमेंटल, दो क्रिस्टल और ड्रैगन, फायर एलिमेंटल, मीटियर्स, आइस एलिमेंटल, होलो नाइट और एंजल और विंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सिंपली गाइज तुम लोग बताना यहाँ पे कमेंट में ये गेम प्ले देखने के बाद। और गाइज ये डेक मेरे को जहाँ तक लगा कि ये डेक मतलब उसी के लिए सही होगा जैसा कि कार लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा अपग्रेड हो, बात बाकी नहीं तो गाइज ये तुम्हारा ग्रैंड मास्टर 3 तक पहुँचने के लिए बेस्ट डेक होगा। तो सिंपली गाइज यहाँ पे हम बहुत सारा गेम प्ले किए हैं, लेकिन गाइज गेम प्ले करने में यहाँ पे ये सीन हुआ मेरे साथ कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे बहुत सारा मैच यहाँ पे विन किया, बट फिर बीच में यहाँ पे हारना मेरा स्टार्ट हो गया था। तो सिंपली गाइज तुम यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैं यहाँ पे यही डेक के साथ गेम प्ले किया था और साथ में तुम मेरे सामने देख सकते हो अपोनेंट जो यहाँ पे लेवल 13 का अपोनेंट आया जो कि काफ़ी खतरनाक ऐसा काट का लेवल है। और साथ में गाइज ये डेक जो है काफ़ी अल्ट्रा टाइप का डेक यूज कर रहा है जिसमें कि गाइज ये रेसोरेक्शन यूज कर रहा है, साथ में यहाँ पे फैन डांसर, साइज बलिस्टा और रेसोरेक्शन का यूज कर रहा है। तो तुम देख सकते हो गाइज जैसे कि हम यहाँ पे होलो नाइट यूज किया और ये यहाँ पे साइज बलिस्टा का यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट सही टाइम पे गाइज हम यहाँ पे एंजल को यहाँ पे अटैच कर दिया, नहीं तो गाइज ये यहाँ पे मेरा होलो नाइट को सिंपली मार देगा। और लेवल 10 का गाइज इसका स्पाइक स्टैचू है, तो तुम सोच सकते हो कि स्पाइक स्टैचू को जो ये 50,000 गोल्ड करके अपग्रेड कर चुका है। और इसके साथ गाइज ये यहाँ पे इंचेंटर का यूज कर दिया, बट मेरे पास फायर एलिमेंटल आया तो इसका साइज बलिस्टा और इंचेंटर मार, बट ये क्या गाइज ये फिर से यहाँ पे रेसुरेक्शन यूज करके जो अपना सभी कार्ड को यहाँ पे जिंदा कर लिया है। और यहाँ पे गाइज मर्ड एलिमेंटल का यहाँ पे लास्ट लाइन में यूज किया और साथ में, लेकिन हमको पता नहीं था कि इसके पास विंड भी होगा, ठीक है। मतलब अब कोई भी सामने वाला बंदा खेलता तो गाइज उसको क्या पता कि सामने वाला कौन सा कार्ड यूज कर रहा है, मतलब एक थोड़ा सा होता है अंदाज लगा सकता है कि हाँ ये कार्ड हो सकता है उसके पास, वो कार्ड हो सकता है। तो सिंपली गाइज ये यहाँ पे देखो एक बम का भी यूज कर रहा है, बम इसका अच्छा खासा अपग्रेड है। और मैं यहाँ पे फायर एलिमेंटल यूज किया और फायर एलिमेंटल से जिसको सभी कार्ड को मार दिया, बट ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेसोरेक्शन का यूज कर दिया। और गाइज इस बार अभी इसके पास रेसोरेक्शन नहीं था और साथ ही जो है मेरा मीटियर सही टाइम पे आया और उसका सभी कार्ड को यहाँ पे मार दिया। तो गाइज जो सामने वाला जो अपोनेंट लेवल 13 है गाइज इसमें जो ये डेक काफ़ी भारी पड़ा और यहाँ पे जो अभी गेम प्ले जो होगा गाइज और भी खतरनाक अपोनेंट मिला, तो गाइज तुम लोग वीडियो फुल देखना, तुम लोग काफ़ी मजा आएगा। और साथ में बताएंगे गाइज जी इस डेक का जो है क्या ही मतलब यूज हुआ है और क्या मतलब कितना सक्सेसफुल और कितना अनसक्सेसफुल है गाइज, वो सभी बात मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो सिंपली गाइज देखो जहाँ तक तुम यहाँ पे बात करते हो इस वाले डेक के ऊपर, तो इस वाले डेक के ऊपर गाइज गेम प्ले सही है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात करो ओवर टाइम अपोनेंट के ऊपर, ठीक है, तो ओवर टाइम वाले जो डेक के ऊपर जो गेम प्ले हुआ, तो गाइज यहाँ पे बहुत सारा ओवर टाइम वाले के साथ जिसका मतलब कार्ड मेरे से ज़्यादा मैक्स था, मतलब जिस लेवल पर तुम अभी देख सकते हो गाइज, जैसे कि मतलब मैं ग्रैंड मास्टर 3 के अंदर हूँ, तो सिंपली गाइज ग्रैंड मास्टर 3 के अंदर जो भी हमको अपोनेंट आ रहा है तो गाइज सिंपली सब लेवल 13, लेवल 14, लेवल 12 इसी का अपोनेंट आएगा, उससे नीचे वाला अपोनेंट नहीं आएगा। कि मैक्सिमम जितना भी कार्ड का लेवल है, मैक्सिमम जिसका भी कार्ड का लेवल होगा गाइज वही बंदे लोग आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा भी कार्ड का लेवल थोड़ा बहुत अपग्रेड है, तो इसलिए गाइज थोड़ा ज़्यादा मतलब सिंपल सा गाइज कार्ड लेवल उतना डिपेंड नहीं करता। तुम जैसे कि अगर इतना ट्रॉफीज अगर तुम पहुँचोगे तो तुमको सिंपली गाइज इतना मतलब मैक्सिमम तुमको मैक्स लेवल वाले अपोनेंट मिलेंगे ही। और इसके साथ गाइज देखो लेवल 9 का मेरे पास मर्ड एलिमेंटल है, तो मर्ड एलिमेंटल हम यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे बंदा जो यहाँ पे गाइज लेवल 14 का यहाँ पे जो स्केलेटन्स यूज कर दिया। गाइज देखो इस डेक का सीन क्या है कि तुम जो है यहाँ पे हम अपना खेले तो हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। गाइज देखो हम खेले तो हमको खेलने में काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा और मतलब बहुत सारा मैच यहाँ पे विन किया, बट फिर हुआ क्या कि बीच में 2-3 मैच लगातार हार गए, फिर मैच विन किए, फिर 2-3 मैच लगातार हार गए, फिर विन किए, तो विन करते रह गए, मतलब कुछ अलग सा सीन हो रहा था। तो सिंपली गाइज लेकिन हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर तुम जो इस वाले डेक जो डेक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ड्रैगन का, साथ में यहाँ पे मर्ड एलिमेंटल का, साथ में यहाँ पे मीटियर्स का, और एक सिंगल यहाँ पे जो है हम यहाँ पे विंड है यूज कर रहे हैं, और साथ में जो है यहाँ पे विलिजार्ड और डबल क्रिस्टल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली गाइज देखो ये वाला डेक जो तुमको काफ़ी अच्छा फायदा करेगा, बट यहाँ पे गाइज हुआ क्या कि मेरे साथ कुछ ऐसा अपोनेंट मिला था जो कि मतलब डबल विलिजार्ड यूज कर लिया था, बताओ मतलब काफ़ी एंटी टाइप का काउंटर टाइप का डेक तुम बोल सकते हो, उस टाइप का डेक मेरे को मिल गया था। तो यहाँ पे गाइज हम यहाँ पे अपना तरह से पूरा प्रयास किया, बट यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे अपना एक विलिजार्ड देते हैं तो वो गाइज दो विलिजार्ड यूज कर देता था, तो मतलब ऐसा भी सब बहुत सारा ऐसा मैच मतलब हारे, तो गाइज उतना जो है हम गेम प्ले तुम लोग को हम नहीं दिखा सकते थे, बिकॉज यहाँ पे जो वीडियो काफ़ी हम अब उतना लंबा करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वैसे ही बहुत सारा जो गेम प्ले तुम लोग को यहाँ पे 19 मिनट 20 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा जो गेम प्ले दिखाते हैं, बट अब से गाइज कोशिश करेंगे गाइज 10 मिनट 12 मिनट तक के अंदर का जो गेम प्ले तुम लोग को दिखाएं, बिकॉज वीडियो उतना ज़्यादा लंबा हम करना नहीं चाहते हैं। तो सिंपली गाइज तुम लोग में जो लोग पावर डेक यूज करना चाहते हो और साथ में गाइज जो लोग मतलब कैस्टल 7 में पहुँच गए हो, एंजेलिक टेम्पल में पहुँच गए हो, तो सिंपली गाइज तुम लोग जो ड्रैगन को अनलॉक कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और साथ में मर्ड एलिमेंटल तो तुमको
फ्री में मिल ही जाता है, तो सिंपली फायर एलिमेंटल को कर लेना अपग्रेड और मीटियर्स को अपग्रेड कर लेना। तो ये वाला डेक जो है काफ़ी अच्छा रहेगा गाइस, जिसमें जो तुम्हारा यहाँ पे सिंपली तुम देख सकते हो एक ब्लैक विच है और साथ में यहाँ पे ड्रैगन वैगन है और यहाँ पे एक एंजल है, मतलब दो लेजेंडरी गाइस तुम्हारा कंपलसरी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मानो हम यहाँ पे होलो नाइट यूज कर रहे हो, तुम होलो नाइट को हटा के जो ना तुम यहाँ पे गोलेम यूज कर सकते हो सिंपली। और गाइस यहाँ पे जो ना तुम इस वाले डेक में अगर तुम चाहते हो कि मर्ड तुम्हारे पास सेमन है तो सेमन को जो है यूज तुम मर्ड एलिमेंटल की जगह यूज करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मर्ड एलिमेंटल को हटा के गाइस तुम सेमन का भी यूज कर सकते हो तो काफ़ी बेहतर रहेगा। बट इससे गाइस इस वाले डेक से गाइस तुमको खेलने में जो काफ़ी मजा आएगा, तो सिंपली गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पे जो मैं किस तरह से अपना ट्रॉफीज पुश किया। तो यहाँ पे गाइस मैक्सिमम यहाँ पे जो हाई लेवल के यहाँ पे तुम खुद देखो मेरा कार्ड का लेवल यहाँ पे लेवल 12 का यहाँ पे जो इसका मर्ड एलिमेंटल और साथ में लेवल 4 का, मतलब एक लेवल ज़्यादा है मेरे होलो नाइट से। तो इसका जो होलो नाइट भी अब थोड़ा सा हेल्थ बचा हुआ है और साथ में देखो यहाँ पे गेम प्ले तुम देख ही रहे हो लेवल 8 का इसका जो फायर एलिमेंटल है, तो काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे खतरनाक यहाँ पे गेम प्ले हो रहा है। और साथ में जो मतलब कोई भी कार्ड होगा जी मेरे से ज़्यादा इसका लेवल है और साथ में लेवल 11 का यहाँ पे यूज करके रखा हुआ है ये अपना आइस एलिमेंटल। और उसके साथ ही गाइस यहाँ पे बोनियार्ड भी यूज कर रहा है भाई, देखो यार क्या ही मतलब इसका मतलब कौन टाइप का डेक बनाता है मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे जो बोनियार्ड भी अच्छा खासा इसका अपग्रेड है एंड मेरा होलो नाइट थोड़ा सा अपग्रेड लेवल 3 अपग्रेड है, तो गाइस इसका जो बोनियार्ड को यहाँ पे स्किलेटन्स को यहाँ पे मार रहा है धीरे धीरे। और सही टाइम पे गाइस हम यहाँ पे ड्रैगन उतारें और देखते हैं गाइस इसका ड्रैगन देखो कितना लेवल, ड्रैगन भी गाइस इसका 6 लेवल का आई थिंक मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ब्लैक विच आया और ब्लैक विच से हम यहाँ पे यूज करके इसका ड्रैगन को स्किलेटन्स में बना दिया गाइस। और उसके बाद सही टाइम पे स्पेक्ट स्टैचू का भी यूज कर दिया, तो सिंपली गाइस उसका ड्रैगन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पे गाइस देखो मेरे पास आइस एलिमेंटल और है, आइस एलिमेंटल को भी हम यहाँ पे यूज कर दिया और ये भी यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज कर दिया है यहाँ पे ब्लैक विच का। बट यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं फायर एलिमेंटल का, अगर फायर एलिमेंटल गाइस यूज़ नहीं करते तो मेरा ड्रैगन सिंपली अभी चला जाता। एंड साथ में ही मैं गाइस अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को जो ना यहाँ पे बीच वाले लेन में हमको यहाँ पे यूज करना होगा ब्लैक विच का, तो लेकिन गाइस यहाँ पे जो है अभी ब्लैक विच का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज मेरे पास एक लिजार्ड आया। बट अब गाइस यहाँ पे ब्लैक विच का हमको यूज करना पड़ेगा बिकॉज एंजल दे दिया तो मेरा सभी कार्ड यहाँ पे ड्रैगन को मार दिया। और अब गाइस देखो यहाँ पे जो इसका सब कार्ड को यहाँ पे हम फाइनली यहाँ पे मार दिया। और यहाँ पे गाइस अब ये भी यहाँ पे ब्लैक विच यूज़ कर दे, मतलब सिंपल सा भाई तुमको जो मतलब सामने वाला जो भी मेरा हार्ट लेवल का बंदा है तुमको ऐसे इतना इजीली तो जितना नहीं देगा बिकॉज जिस लिख पर है मतलब जितना जल्दी ग्रैंड मास्टर 3 पहुँचे और इतना जल्दी यहाँ पे ट्रॉफी पुश कर रहे हैं, तो सिंपली गाइस तुमको इतना नॉर्मल भी अपोनेंट नहीं मिला कि तुम उसको इजीली हरा दोगे। सिंपल सा भाई तुम्हारे वर्सेस का तुम्हारे हार्ट लेवल का यहाँ पे अपोनेंट तुमको मिलेगा ही। तो इसलिए गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मर्ड एलिमेंटल का यहाँ पे यूज किया है और साथ में मेरे पास ब्लैक विच भी आ चुका है। और लेकिन हम सोचे गाइस यहाँ पे जो हम क्या बताएंगे हम, लेकिन मेरा एंजल यहाँ पे हेल्प कर रहा है नहीं तो हम अभी ब्लिजार्ड यहाँ पे यूज करते हैं। बट ब्लिजार्ड गाइस हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे भी नहीं, उतना हमको टेंशन नहीं है। और साथ में गाइस यहाँ पे जो है इसका मर्ड एलिमेंटल को यहाँ पे मार दिया है। और अब उसके बाद गाइस देखो ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे लेवल 6 का अपना ड्रैगन के साथ में एंजल यूज कर दिया। बट यहाँ पे जो है हम यूज़ कर चुके हैं आइस एलिमेंटल, तो आइस एलिमेंटल का जो है हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सिंपली गाइस इसका जो ड्रैगन को यहाँ पे जमा के जो है मेरा सभी कार्ड यहाँ पे मार दिया। और साथ में गाइस यहाँ पे ब्लैक विच का यूज़ किया तो हम फायर एलिमेंटल यूज़ कर देंगे। तो तुम देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो गेम प्ले काफ़ी खतरनाक किए जो कि हम यहाँ पे मैच विन कर पाए थे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे गेम प्ले दिखा रहे गाइस जो कि लेवल 14 का अपोनेंट मिला था मेरे को, ठीक है गाइस लेवल 14 का अपोनेंट मिला था, तो काफ़ी खतरनाक यहाँ पे गेम प्ले हुआ था। तुम लोग गाइस इस गेम प्ले के ऊपर बताना, मतलब मेन जानते हो क्या हुआ था गाइस, ये वाला अपोनेंट जो मेरे को ये जो सोलमान नाम का जो अपोनेंट है तो ये मेरे को पहले भी मिला था, बट पहले जो ये कार्ड वार्ड यूज़ नहीं किया तो हमको पता ही नहीं चल रही कर क्या रहा है, मतलब गेम प्ले कर ही नहीं रहा है। तुम अभी भी देखो ये गेम प्ले कर ही नहीं रहा है, ये अपना कार्ड को डिलीट कर रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब गाइज अब हम यहाँ पे आइस एलिमेंटल यूज किया ना, तो अब देखो अब ये यहाँ पे जो है गेम प्ले करना स्टार्ट किया। तो इसका पिछले वाला गेम में ये मेरे से मिला तो सिंपली गाइज ये कार्ड वार्ड यूज़ नहीं कर रहा था तो हम भी गेम बैक कर दिए। तो और इस बार भी पता नहीं क्या काहे कर रहा था ऐसा। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो ये लेवल 5 का इसका स्कल क्वीन है, ठीक है, तो लेवल 5 का स्कल क्वीन को गाइज सिंपली हम यहाँ पे जो है अपना ब्लैक पिच यूज़ करके यहाँ पे मार देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे स्पाइक स्टैचू का भी यूज़ कर देंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास आ चुका है मर्ड एलिमेंटल, तो मर्ड एलिमेंटल का हम यूज़ कर देंगे। बट उसका जो स्ट्रक्चर है गाइस लेवल 8 का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये यहाँ पे डेक यूज कर रहा है जिसमें कि एक कैटापुल्ट यूज़ कर रहा है और साथ में जो है यहाँ पे फायर एलिमेंटल का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा ड्रैगन आ जाएगा बिकॉज देखो गाइस इस वाले डेक में तुमको खासियत ये भी मिलेगा कि तुम्हारे पास जो डबल क्रिस्टल है तो तुम्हारा कार्ड जो जल्दी जल्दी उतरेगा। और ये डेक गाइस मेरे अगर तुम लोग के मुकाबले बोले तो तुम लोग गाइस इस डेक का यूज करो, तुम लोग काफ़ी अच्छा फायदा होगा और साथ में गाइस तुम अपना ट्रॉफीज काफ़ी अच्छा से इजिली पुश कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि गाइस तुम ऑलरेडी यहाँ पे डबल क्रिस्टल यूज कर रहे हो, साथ में एक सिंगल ब्लिजार्ड यूज कर रहे हो और यहाँ पे स्पाइक स्टैचू डबल यूज कर रहे हो, तो गाइस इतना इजिली तो तुम हारोगे नहीं, ठीक है। बट तुम्हारा जो कभी कभी लक खराब हो जाएगा ना तब तुम गाइस हार जाओगे, क्योंकि गाइस गेम
में तो कभी ना कभी लक तो हमेशा ख़राब होता ही है, और मेरा तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो, ये फिर से यहाँ पे कैटापुल्ट यूज़ कर दिया, और मेरे को लगा गाइज हम यहाँ पे हार जाएंगे सिंपल सा, बट मेरा सही टाइम पे यहाँ पे विंड आ गया था और साथ में ड्रैगन भी आ गया। तो ड्रैगन को गाइज हमको वहाँ पे देना ही पड़ेगा, अगर ड्रैगन को नहीं देंगे तो बोनियाट आ जाएगा, तो सिंपली गाइज उसका जो है यहाँ पे कैटापुल्ट को अटैक करने का और ज़्यादा चांस मिल जाएगा। बट इसके पास गाइज देखो बोनियाट ने 2 मना रिचुअल 3 क्रिस्टल यहाँ पे आ चुका था, एंड यहाँ पर फायर एलिमेंटल इसका लेवल 9 का मैक्स करके रखा फायर एलिमेंटल को। तो सिंपली गाइस गेम प्ले जो है यहाँ तक था, और तुम लोग बताना गाइस गेम प्ले कैसा लगा, और साथ में इस डेक के बारे में बताना ये डेक कैसा, किस टाइप का तुमको अच्छा यूज करने में कैसा लगा, तो कमेंट बताना। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड एनर्जी हैप्पी।